आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से फाइन क्वालिटी का स्टार्च आप कपड़ों पे आसानी से लगा सकते हैं। स्टार्च लगने के बाद कपड़ों की रंगत बदल जाती है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही मानना स्टार्च वाले कपड़े जो पहनते हैं, क्योंकि यह एक नशा है। अगर आपने स्टार्च वाला कपड़ा एक बार पहन लिया तो दोबारा भी आप स्टार्च वाले कपड़े की ही मांग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टार्च का जो प्रक्रिया है लगाने का, बनाने का, वो किस प्रकार से है, किस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं और कपड़ों में एक जान ला सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और कंप्लीट प्रोसेस देखिए। ये लिनन का कुर्ता और पैंट है, वाइट कलर में है और किसी तरीके से भी आप प्रेस कर लें इस लिनन को, अगर आप इसमें स्टार्च नहीं लगाएंगे तो यह वो लुक नहीं देगा जो सोच के आपने इसको ख़रीदा है। ख़ास तौर से काटन कपड़े हों और या लिनन कपड़े हों, स्टार्च ज़रूरी होता है। बनाने के लिए पानी लेंगे, उतना ही पानी लेंगे जितने में कि हमारा स्टार्च बनाना हो, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। और थोड़ा सा पानी हम अलग लेंगे, यह अरारोट पाउडर है, तकरीबन 2 चम्मच के आसपास, 2 कपड़े हमारे पास हैं। अलग से नॉर्मल पानी में स्टार्च को हम घोल लेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जो है गर्म पानी में इस पाउडर को डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, अच्छी तरीके से घुल नहीं पाएगा। देखिए पानी हमारा खौलने लगा है और हम कोशिश करेंगे कि चलाते हुए जो स्टार्च हमने घोल के रखा पहले से उसको इस तरह से स्टिर करेंगे और थोड़ी देर ऐसे उबलने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें उबाल आने लगा है और जितना जल्दी जल्दी उबाल इसमें आएगा यह ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। हमने पानी लिया है और पानी में जिस कपड़े को स्टार्च लगाना है एक बार गीला कर देंगे और उसको निचोड़ लेंगे। सूखा डालने से एक बराबर स्टार्च अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी साफ है, इसमें पुराने स्टार्च को हम मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने स्टार्च अच्छे से नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे किसी साफ कपड़े से इसको छान लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब दोनों कपड़े को इसमें हम डुबा के रखेंगे, आप 1 मिनट तक डुबा सकते हैं, 2 मिनट तक डुबा सकते हैं तो अच्छा रहता है। और उसके बाद से एक बराबर आपको हाथ से निचोड़ देना है, क्योंकि निचोड़ेंगे नहीं तो जहाँ पे स्टार्च ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, जहाँ पे नहीं रहा वहाँ पे हल्का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बराबर जो है स्टार्च अप्लाई कर दीजिए और बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको धूप में सुखाएंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें, जहाँ भी आप कपड़ा फैलाने जा रहे हैं वह जगह साफ़ सुथरी हो, रस्सी पर कोई धूल ना हो, नहीं तो वह धूल निकलेगा नहीं सूखने के बाद। कितना आसान है स्टार्च बनाना और स्टार्च को कपड़े पे अप्लाई करना। क्वालिटी आपको अरारोट, कॉर्न स्टार्च, साबुनदाना इत्यादि से इस तरह की क्वालिटी आप पा सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में रिवाइव पाउडर या लिक्विड मिलता है उससे यह क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। सबसे बेहतरीन क्वालिटी के लिए आप अरारोट पाउडर को यूज़ करिए, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अरारोट पाउडर अलग होता है, कॉर्न स्टार्च या मेज स्टार्च अलग होता है, लेकिन मार्केट में मेज स्टार्च या कॉर्न स्टार्च को ही अरारोट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप कपड़ों में स्टार्च लगाइए और अपने चेहरे के साथ साथ कस्टमर के चेहरे पर भी एक खुशी महसूस कीजिए। तो मिलते हैं अगली टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। देख लिया आपने, सब्सक्राइब तो करते जाइए। थैंक यू।